वह जिंदगी लगातार अपने शो के द्वारा देश के कई स्थानों के जैन मंदिर के दर्शन करा रहा है। इसी क्रम में हमारी टीम कोलकाता से करीब 520 किलोमीटर दूर रेल मार्ग के द्वारा फॉरबिसगंज पहुंची। बिहार राज्य के अररिया जिला में स्थित है फॉरबिसगंज शहर। इस शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है पड़ोसी राष्ट्र नेपाल। सन 1877 हंटर की रिपोर्ट में इस शहर का नाम फॉरबिसाबाद दर्ज है, लेकिन जब अंग्रेजों के जमाने में रेलवे लाइन आई तो अंग्रेजों के उच्च पदाधिकारी फॉरबिस साहब के नाम पर इस शहर का नाम फॉरबिसगंज पड़ गया। आज यह शहर बिहार के एक विकसित शहरों में गिना जाता है। यहाँ पर मुख्य व्यवसाय में जूट, अनाज और कपड़ा है। फॉरबिसगंज के बाजार में चारों दिशाओं से सैकड़ों गांव के लोगों का आगमन होता रहता है। इसी फॉरबिसगंज में जैन धर्म के दो मंदिर हैं। एक मंदिर दिगंबर जैन समाज द्वारा स्थापित है और दूसरा श्वेतांबर जैन समाज के द्वारा। वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी का जन्म स्थली भी है फॉरबिसगंज, इसीलिए हमें खुशी और उत्साह महसूस हो रहा था। सबसे पहले वह जिंदगी की टीम कोठी हाट स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने पहुंची। हमें ये पता था कि फॉरबिसगंज में दिगंबर जैन धर्म का पालन करने वाले मात्र 5 घर ही हैं, पर इसके बावजूद यहाँ पर एक वृहद श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और सिद्ध सागर नामक एक विशाल अतिथि भवन है। जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो इस परिसर को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। जैसा सुना वैसा पाया। ১৯৮১ के पूर्व फॉरबिसगंज में स्वर्गीय डूंगरमल जी जैन अग्रवाल के यहाँ एक चैत्यालय स्थापित था। आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के प्रमुख शिष्य छुल्लक श्री सिद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर एक भव्य जैन मंदिर की स्थापना हुई और 5 मई 1982 को इस मंदिर की काफी धूमधाम से वेदी प्रतिष्ठा हुई। मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की काले पाषाण की प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही साथ भगवान आदिनाथ, शांतिनाथ, चंदा प्रभु और महावीर की प्रतिमाएं विराजित हैं। मंदिर के शिखर पर भगवान पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा विराजित है। मंदिर के एक तरफ मां पद्मावती और दूसरी तरफ बाबा क्षेत्रपाल की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर परिसर में श्री सिद्ध सागर भवन नामक एक विशाल अतिथि भवन है, साथ ही साथ काफी लंबा चौड़ा एक सुसज्जित मैदान है। भवन के साथ इतना बड़ा उद्यान हमें देखने को कम ही मिला। और मात्र कुछ ही घरों के दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के शहर फॉरबिसगंज में इस विशाल परिसर को देखकर खुशी और गर्व महसूस हुई। फॉरबिसगंज में कुल मिला के कहें तो दो ही परिवार हैं यहाँ पे, ठोलिया परिवार एवं धनावत परिवार। और ये शिखर चंद जी सरावगी जिनके लड़के ललित सरावगी यहाँ रहा करते थे, जो अभी वर्तमान में आपके बाद जिंदगी के चेयरमैन हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ कलकत्ता शिफ्ट कर गए। नया कोई परिवार यहाँ आकर बसा नहीं, बल्कि नेपाल विराटनगर में जो दो चार परिवार हैं वो यहाँ आते हैं विशेष अवसरों पर, तो बहुत सीमित हमारा परिवार है यहाँ दिगंबर जैन धर्मावलंबियों का। इस मंदिर का अनुस्थापन सन 1982 में रखा गया था। मैं यहाँ पे प्रतिदिन मंदिर आके जैन धर्म का अनुपालन करता हूँ और अपनी दिन की चर्या जैन धर्म की दर्शन करने के बाद शुरुआत करता हूँ।
मंदिर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित श्रीमती मैना देवी दिन रात मंदिर की सेवा में लगी रहती हैं। भागलपुर से प्रतिमा लाके और यहाँ फारबिसगंज में घर में चेताला बनाए और चेताले में सभी पूजा करते थे। मेरी आत्मा की रग रग मेरे जैन धर्म में है, पार्श्वनाथ भगवान में है, चंदा प्रभु भगवान में है। मुझे ये और धर्म की भावना बढ़ती रहे। ये मंदिर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ और कुछ भी नहीं है मंदिर के अलावा। हम सिर्फ चार ही जन हैं यहाँ पे जैनियों जन के। हमारे सारे बच्चे बाहर रहते हैं। तुमसे लागी लगन ले लो अपने शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। आज 30 साल से भगवान की सेवा में समर्पित हैं, समाज की सेवा में सब सद्भावनाओं से समर्पित हैं। फोर्बिसगंज में दिगंबर जैन मंदिर लगभग 35-40 वर्ष से है। इसमें एक विशाल धर्मशाला भी है। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ विराजित है। ये हमारे पिताजी चाचाजी सरावगी जी की देन है कि हम लोग यहाँ दर्शन कर पाते हैं। वह जिंदगी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से आज ये छोटे से टाउन कस्बे में इन्होंने आकर शूटिंग ली मंदिर का। इसके लिए वह जिंदगी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर अभी तक आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाएं और मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाएं वह जिंदगी। आप अपने आने की पूर्व सूचना निम्नलिखित व्यक्तियों को दे सकते हैं जिससे आपके आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहे।